चलिए बड़ी खबर फिलहाल आपको बता देते हैं जो कि जोधपुर से सामने आ रही है। थर्माकोल फैक्ट्री में आग यहां पर लगी है। बस्ती क्षेत्र के सालावास रोड पर ये फैक्ट्री स्थित है। दमकल अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है और आग से धू धू कर ये फैक्ट्री फिलहाल जल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितना ज्यादा धुएं का गुबार वहां पर उठ रहा है। और थर्माकोल की फैक्ट्री है, आप तो समझ सकते हैं कि ज्वलनशील ये चीज होती है, आग को जल्दी कैच करती है, तो कहीं ना कहीं गंभीर ये समस्या अधिक हो सकती है। चूंकि दमकल की जो गाड़ी है अभी तक नहीं पहुंची है। बड़ी खबर फिलहाल जोधपुर से आपको बता रहे हैं, थर्माकोल की फैक्ट्री में आग लगी है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह हादसा। चूंकि धू धू कर जो थर्माकोल जिसका जिस प्रकार का जो मटेरियल होता है, जिस प्रकार का पदार्थ होता है, वो काफी जल्दी आग को कैच करता है और जलता है। फिलहाल ये अपडेट है कि जो दमकल की गाड़ी है वो नहीं पहुंची है अभी घटनास्थल पर, जो आगजनी का जहां पर क्षेत्र है। और जोधपुर से बड़ी खबर, थर्माकोल की फैक्ट्री में आग लगी है। बस्ती क्षेत्र के सालावास रोड पर ये फैक्ट्री यहां पर स्थित है। जोधपुर से बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दें, यहां पर थर्माकोल की एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिल रही है और फिलहाल दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची है। आग की भयावहता का अंदाजा आप तस्वीरें देख के लगा सकते हैं, किस प्रकार धुएं का गुबार वहां पर उठ रहा है, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि की, किसी प्रकार की कैजुअलिटी की खबर इधर से सामने फिलहाल नहीं आ रही है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दयाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल, आग लगी है यहां पर जोधपुर में थर्माकोल फैक्ट्री में, लेकिन फिलहाल तक जो अपडेट मिल पा रही है वो ये है कि दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। कितने बजे की घटना? ज्योति, बताना चाहूंगा कि ये 9:30 बजे लगभग की घटना है। आग लगी थी, भयानक आग थी और थर्माकोल जो कहते हैं आग ज्यादा ही पकड़ता है, वैसे थर्माकोल की फैक्ट्री है तो उसमें आग पकड़ी और एक इतनी तेज आग लगी कि फैक्ट्री का जो आगे का, फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंच गई है। निश्चित बताना चाहूंगा कि दमकल की गाड़ियां 2 मौके पर पहुंची है और उन्होंने आग को नियंत्रण में भी कर लिया है। और साथ ही बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये फैक्ट्री बनी है उसके ऊपर हाई टेंशन लाइन जा रही है, जिसके चलते हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो और आग लग गई हो। साथ ही बताना चाहूंगा कि फैक्ट्री जो बनी हुई है वो अतिक्रमण करके बाहर बनाई हुई है, जिसके चलते भी हो सकता है कि जो 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 हिस्सा जला है फैक्ट्री का वो अतिक्रमण वाला हिस्सा ही जला है। रोड के ऊपर ये फैक्ट्री अतिक्रमण करके बनाई हुई है, उसमें आग लगी और इसमें थर्माकोल के सारे जो सीट्स और जी बिल्कुल दयाल, जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है उनको देखकर तो लग रहा है कि लोगों की भी वहां पर चहलकदमी है। किस प्रकार के जनहानि की सूचना तो नहीं है कभी अभी? निश्चित तौर पे ये मुख्य सड़क है, सालावास गांव की तरफ जाती है जो लूणी से जोड़ती है जोधपुर को जी। और इस रोड के ऊपर ये फैक्ट्री है, मेन रोड पे आवाजाही रहती है, सारा दिन आगमन रहता है। साथ ही ये जो भयानक आग लगी है उसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन ये संभावना है निश्चित तौर पर ये फैक्ट्री जिस तरह से बनी हुई है एक बड़ी घातक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दयाल। तो फिलहाल की जो अपडेट है वो ये है कि जोधपुर में एक थर्माकोल की फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की गाड़ियां फिलहाल वहां पर पहुंच चुकी है और आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। गनीमत की बात इस हादसे में ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि यहां पर नहीं हुई, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें अब आ रही है सामने, घटना से जुड़ी हुई, आग से जुड़ी हुई जो आग लगी है वहां पर, काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि रोड पर लोगों की चहलकदमी भी, आम जनता, आम पब्लिक भी वहां से गुजर रही है। तो इस प्रकार की घटना के बाद में वहां पर थोड़ा अंकुश लगने की यहां पर आवश्यकता थी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है आग को काबू में पा लिया गया है।